बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। एक लंबे अरसे के बाद और एक लंबी ब्रेक के बाद दोबारा से चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और इतनी लंबी ब्रेक इसलिए ली थी क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा और इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। खैर, अभी टाइम हो रहा जी 12:30, फुल धूप, सूरज ऊपर है और अभी हम जा रहे हैं जी बकरा मंडी पे। हमने अपनी कुर्बानी एक तो ले ली है, लेकिन आज लेना जी बकरा। तो हमने कहा कि ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है, तो आपको भी रेट से इतला किया जाए। इंशाल्लाह आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और खुद भी जाके देखते हैं। वैसे तो हमने दो बंदे भेजे हुए हैं जिन्होंने जाके खरीदने, बाहर नहीं आना। अच्छा, जिन्होंने जाके मतलब बकरा खरीदना है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है तो इतनी देर हमारे से नहीं था फिरा जाना, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमने एक दो पसंद किए हैं, जाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कौन कौन सा पसंद किया और कैसा पसंद किया है। और आपके साथ भी मंडी की रेट ले ली और आपके साथ भी इंशाल्लाह मंडी की रेट शेयर करते हैं। दोनों लिए एटीएम यूज कर लिया जी, और अब यहाँ से चलते हैं जी सीधा मंडी, क्योंकि अभी फोन आया था, उन्होंने मेरे ख्याल से एक दो बकरे पसंद करके रखे है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना ही करें। अगर एक तरतीब से सारे लोग चलाए ना, तो ना यहाँ पे रश रुके, रश बने और ना ही कोई ट्रैफिक रुके, लेकिन कोई तरतीब नहीं है। ये जाने वाली तीन तीन लेने लो खुद ही बना लेते लोग, आने वाली भी इस तरह ही है, लेकिन जब खड़े हैं जोन से भाई भेजे हैं वो भी बेचारे एक बजे फुल गर्मी में, उनका भी बार बार फोन आ रहा है कि जल्दी आ जाओ। अब देखते हैं कब तक हम पहुँचते मंडी के। जानवर एक और बंदे 10, सब कोई शौक है साथ आने का। किन्ना कह रहे छोटा छोटा थोड़ा जहा, इस तो भारा हो जाए तो अच्छी गल। हाँ, बेसिकली जी ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी आते हैं दूर बड़े बड़े शहरों से, और इकट्ठे फिर अपने जानवर जो है वो इकट्ठे लेके चल जाते हैं। जैसे वो सामने टेंट लगा हुआ है, इस तरह एक व्यापारी अपना सौदे करता रहता है सुबह से लेके और शाम तक, जितने उसके जानवर होते हैं शाम तक फिर गाड़ी बड़ी मंगवा के उसके अंदर वापस ले जाता है। खैर, अभी हमारे जो भाई आए हैं साथ वो उधर खड़े हैं, जानवर तो पसंद आ रहे हैं लेकिन रेट ही बहुत ज़्यादा है बकरों के। बड़ा जानवर फिर भी हमें ठीक मिल गया, लेकिन बकरों के बहुत ज़्यादा रेट है। हालांकि 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, सूरज फुल ऊपर है, लेकिन इमाम का फिर भी स्टैमिना नहीं कम हुआ। नहीं तो अक्सर मंडियों में ऐसा होता है कि इस टाइम थोड़ा रेट कम हो जाता है, लेकिन आप नहीं, इस बार नहीं कम हो रहा जी। दादा इधर भी एक लख पानी कौन से वाला कह रहे हैं? यार वो देखो काला ते चिट्टा सदाम भाई
मैं मजो मूवी भेजो चलो जी अब ये भाई जी बाइक पे ले जाएंगे और हम इधर चलते हैं गाड़ी में घर वापस। ये जी वो बकरा वापस ले घर ले जाने लगे बाइक पे। हम अब चलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी पे। हमें इतना ज्यादा गर्मी में नहीं वैसे खड़ा होना पड़ा, जल्दी ही सौदा हो गया, लेकिन जितनी देर भी हुए हैं गर्मी ने हालत बुरी कर दी है। पापा मैर भी नहीं, अब किधर करके आना है? चलो वो सामने मुझे लगता है मैर भाई खड़ा है। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी, और असल में जो बड़े जानवरों की मंडी होती है ना वो थोड़ी पीछे लगती है, ये अगली साइड पे अपना छोटे जानवर जो बकरे वगैरह होते हैं इस तरह के दुम्बे वगैरह, लेकिन ये नहीं है अपने यार, ये तो दूसरी जी एल आई है। और नहीं नहीं वो नहीं है पापा, आज उधर खड़े होते, उधर खड़े होते, उधर छाओ आज। यहाँ पे वो है जी जो व्यापारियों ने अपने अपने जानवर खरीद के खड़े किए हैं, और बड़े बड़े जानवरों की मंडी थोड़ी पीछे लगती है, इधर छोटे जानवरों की लगती है। उस साइड पे हम गए नहीं क्योंकि हमने आज बड़ा जानवर लेना नहीं था। रोक 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 आए लेकिन अभी भी गर्मी काफी ज्यादा है और बिल्कुल हल्की हल्की अभी हवा चलना शुरू हुई है, नहीं तो एक पत्ता भी नहीं था हिल रहा, एक पत्ता भी नहीं था हिल रहा। और आज काफी ज्यादा गर्मी थी, और आपने कमेंट करके जरूर बताना जी कि हमें जो बकरा मिला वो सस्ता है या महंगा है, जो भी आपको लगे लाजमी कमेंट कीजिएगा। और आज मुझे जो अपना एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक आज थोड़ी सी मंडी मुझे सस्ती लगी, क्योंकि बड़े जानवरों की तरफ तो हम गए ही नहीं, लेकिन जो छोटे जानवर थे जो बकरे वगैरह होते हैं वो जानवर मुझे आज सस्ते लगे थोड़े से, जो मतलब पहले एक मतलब रूटीन चलती है ना। आप भी कमेंट करके बताना कि रेट कम लगे या नहीं। तो खैर आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा, शहरियार को दीजिए इजाज़त, इसी तरह सपोर्ट करते रहे। अल्लाह हाफिज़। चलिए यहाँ आके मैंने इनको शहतूत डाल दी है, और यहाँ पर इनको पानी छानी और दाने छाने डालने, ये सारे माशाल्लाह अपनी मौज में। और मोर को मैं वैसे आजकल ना फुल एहतियात के साथ खोल देता हूँ, लेकिन आज नहीं मैंने खोला क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो बंद करना मुश्किल हो जाएगा। और इनके लेकिन मैंने नीचे भी पानी फेंक दिया और पिंजरे पे भी सारा पानी फेंक दिया ताकि थोड़ा ठंडा माहौल हो जाए। यहाँ पे इन सब को रिलैक्स करने देंगे और हम इधर रिलैक्स करते हैं। ये जी मरे अपने खेतों के करेले माशाल्लाह से, ये मेरे ख्याल से पहला ही फैला है इनका पौधों का, इससे पहले नहीं थे लगे करेले। आप लगाई हुई सब्जियाँ। अच्छा जी आज ही आपको कह रहा था कि मोरनी ने अंडा नहीं दिया हमारे इतने दिनों से, और आज ही माशाल्लाह उसने अंडा दे दिए, ये बाकी दूसरे मुर्गी के और चकोर के अंडे हैं। और जितनी गर्मी है आजकल, अगर मैं आपको अपनी हालत दिखा दूँ ना ये आपसे पहचाना ना जाए। चलो थोड़ी सी हालत दिखाई देता हूँ, ये देखें ये पसीने से गीले हैं पानी से नहीं।